तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है, क्या लोग बता दें कि आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन डेढ़ महीना से बनाए थे, डेढ़ साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर ये तस्वीरें आप देखिए, नीतीश कुमार ने आखिरकार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार अभी कुछ देर पहले राजभवन पहुंचे थे और माना जा रहा था कि आज वो इस्तीफा देंगे, लेकिन पहले कयास ये थे कि शाम को 4 बजे देंगे, लेकिन जिस वक्त में नीतीश कुमार एंट्री कर रहे थे उस वक्त में नीतीश कुमार बात कर रहे थे फोन पर, और वो फोन किसका था आखिरकार, और किसके इशारे पर, और कहां से हरी झंडी मिलने के बाद में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है? तो पहले से पटकथा तय थी, पहले से स्क्रिप्ट तय थी, लेकिन आखिरकार अब जाकर के ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। और नीतीश कुमार जब इस्तीफा देकर के बाहर निकले हैं तो क्या कुछ कहा है नीतीश ने, ये मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसको बिहार की जनता कैसे लेगी। और नीतीश कुमार एक बार फिर से आज शाम को नौवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के बार बार इस पलटने को बिहार की जनता कैसे देखेगी? नीतीश कुमार के ऊपर जो सबसे बड़ा आरोप इस वक्त में लग रहा है पलटी मारने का, उसको बिहार की जनता कैसे लेगी, बड़ा सवाल ये है। लेकिन नीतीश कुमार जिस वक्त बाहर निकले, कोई बड़ी वजह नीतीश कुमार के जो द्वारा नहीं बताई गई। नीतीश कुमार ने सिर्फ इतना कहा कि हमने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा देने का फैसला किया है, इस्तीफा दे करके अभी हम बाहर आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पहले एक नया गठबंधन बनाया, 1.5 साल तक वो सरकार चली और उस दौरान हम काम करते रहे, लेकिन कोई बड़ी वजह, जिस तरह से पिछली बार वो पलट करके गए थे तो तेजस्वी यादव पर, RJD पर जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप नीतीश कुमार की तरफ से लगाया गया था, इस बार कुछ वैसा नहीं हुआ और इस बार नीतीश कुमार ने सीधे इस्तीफा दे दिया। ये तस्वीरें आप नीतीश कुमार के इस्तीफा देकर के बाहर निकलने की देख रहे हैं। सुनिए एक बार जरा नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने के बाद बाहर निकल करके क्या कुछ कहा है। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है, क्या लोग बता दें कि आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन डेढ़ महीना से बनाए थे, डेढ़ साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ऐसा काम कर रहे हैं, तो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर नीतीश कुमार को लेकर के अब निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि बिहार में या देश भर में अगर कोई कभी भी पलट सकता है तो वो इकलौते बिहार के इस वक्त में मुख्यमंत्री नीतीश कहे जा सकते हैं। किसी भी राजनेता को लेकर के इतनी अनिश्चितता नहीं देखने को मिलेगी जितनी नीतीश कुमार को देखने को मिल रही है। और नीतीश कुमार ने यहाँ पर इस्तीफा देते हुए कोई बड़ी वजह वो नहीं गिनवा सके, कोई ये बात वो नहीं कह सके। अब बाद में क्या कहलवाया जाएगा, बाद में क्या कहा जाएगा मालूम नहीं, लेकिन आज जब वो इस्तीफा दे करके बाहर निकले, जो पहली प्रतिक्रिया उनकी थी उसमें वो कोई वजह नहीं बता पाए कि इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं।
क्या लालू प्रसाद यादव की तरफ से, क्या तेजस्वी यादव की तरफ से उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था, ऐसी कोई वजह नीतीश कुमार नहीं बता पाए। और नीतीश कुमार ने बस केवल इतना कहा कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं, मैंने इस्तीफा दे दिया है, और डेढ़ साल पहले हमने एक नया गठबंधन बनाया और अब जो पुराना गठबंधन था, पहले जो साथी थे, अब उन्हीं के साथ में हम लौट रहे हैं, ये नीतीश कुमार की तरफ से जो है वो कहा गया। लेकिन कोई बड़ी वजह नीतीश कुमार नहीं बता पाए। ये तस्वीर आप देखिए जरा, राजभवन की तस्वीर है, और राजभवन की तस्वीर आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार यहाँ पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि आज शाम को जब वो शपथ लेंगे तो दिल्ली से कौन आता है। कल कहा जा रहा था कि जेपी नड्डा बीजेपी की तरफ से दिल्ली से आएंगे, लेकिन बीजेपी में क्या इसको लेकर के सब कुछ ठीक ठाक है? अभी भी बड़ी वजह है, अभी भी बड़ी वजह है, जो कई बड़ी ऐसी गुत्थियां हैं जो सुलझनी बाकी हैं। लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी के नेताओं की जो बयानबाजी रही, या लगातार जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के अंदर नीतीश कुमार को लेकर के जो तलखी देखने को मिली, और नीतीश कुमार को लेकर के बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, तमाम नेता जो नीतीश कुमार के खिलाफ खुल करके बगावत करते रहे या खुल करके मुखालफत करते रहे, अब वो क्या बगावत करेंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल है, या सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से बयान लगातार निकल करके सामने आ रहे हैं, तस्वीर बिल्कुल साफ है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, और नीतीश कुमार यहाँ पर कोई बड़ी वजह नहीं बता पाए हैं। लेकिन क्या इस चीज़ को बिहार की जनता देख रही है, क्या इस बात को बिहार की जनता परख रही है कि कैसे नीतीश कुमार बार बार पलट पलट करके, कभी इस खेमे में, कभी उस खेमे में, और लगातार जो पलटी मारने का नीतीश कुमार का अभी तक का रिकॉर्ड है, शायद किसी और मुख्यमंत्री का भारत के इतिहास में नहीं है, और दुनिया के इतिहास में होगा कि नहीं होगा पता नहीं। इसी बात को बिहार की जनता कैसे लेगी, ये बड़ा सवाल है। एक इंडिया गठबंधन में बड़े चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को देखा जा रहा था, और लगातार बैठकों का वो हिस्सा थे, संयोजक बनाने की बात चल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने आज जो इस्तीफा दिया है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे सब कुछ हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार किसके फ़ोन पर, किसका फ़ोन उस वक्त में आ रहा था जब नीतीश कुमार वो एंट्री कर रहे थे राजभवन के अंदर, और उस वक्त में किसके फ़ोन पर वो थे? क्योंकि कल हमारे पास में खबर यही थी कि नीतीश कुमार चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर एक साथ दो लिफाफे लेकर के राजभवन जाएंगे, और वो एक लिफाफे के अंदर अपना इस्तीफा सौंपेंगे, और दूसरे लिफाफे के अंदर नीतीश कुमार विधायकों का समर्थन पत्र सौंपेंगे, जिसमें एनडीए की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी विधायकों का समर्थन होगा। लेकिन अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है, और नीतीश कुमार भी जब बाहर निकल करके आए तो उन्होंने भी इस बात को साफ नहीं किया है कि मैंने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर दिया है, या नई सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र दे दिया है। तो यानी ये साफ है कि अभी नीतीश कुमार को एक बार फिर से राजभवन जाना होगा, और राजभवन जा करके वो विधायकों का समर्थन पत्र वो सौंपेंगे। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार ये किसके इशारे पर हुआ है कि आप सुबह इस्तीफा दे देंगे? पहले यही बताया जा रहा था कि वो इस्तीफा बाद में देंगे, लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प हो गया है। और इसको लेकर के जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है, वो प्रतिक्रियाएं मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार जरा सुनिए नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर के बाहर निकलने के समय पर क्या कुछ कहा। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन डेढ़ महीना से बनाए थे, डेढ़ साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ऐसा काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज इस वक्त सबसे पहले सबसे बड़ी प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है तेज प्रताप यादव की, और नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद में तेज प्रताप यादव ने इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार पर तंज कसा है। और तेज प्रताप यादव ने इस वक्त में ट्वीट करके कहा है कि जब
भाव न जागा भावों में, उस भावों का कोई भाव नहीं, ऐसी कोई भावों का कोई स्थान नहीं, जिनका भाव अपने भावों की भाव में, कहाँ रखी है भाव तेरी, जिनका ख्याल तेरी भावों में, बस सत्ता का ख्याल है तेरी भावों में, अपनों के भावों का क्या हुआ, तेरा अंत होगा और अंत होगा तेरे भावों का, कोई स्थान नहीं होगा तेरा जब बात होगी तेरी भावों का। तो ये तेज प्रताप यादव की तरफ से, ये नीतीश कुमार की तरफ सीधे तौर पर कहा गया है कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक भाव था, आपको सत्ता का भाव चाहिए था और आपको सत्ता चाहिए थी और आप इसीलिए दोबारा से अपने आप को उस सत्ता के अंदर लेकर के चले गए जिस दलदल से या जिस सत्ता से आप निकल करके सामने आए थे। तो तेज प्रताप यादव जो है इस बात को कहते हुए ट्वीट कर रहे, एक बार फिर से सुनिए, जब भाव न जागा भावों में, जब भाव न जागा भावों में, उस भाव का कोई भाव नहीं, ऐसी भावों का कोई स्थान नहीं, जिनका भाव अपनी भावों में, कहाँ रखी है भाव तेरी, जिनका ख्याल तेरी भावों में, बस सत्ता का ख्याल है, इस लाइन को जरा समझिए, बस सत्ता का ख्याल है तेरी भावों में, अपनों के भावों का क्या हुआ, तेरा अंत होगा और अंत होगा तेरी भावों का। तो ये अंत होने का, नीतीश कुमार के अंत होने का ऐलान तेज प्रताप यहाँ पर कर रहे हैं, तेरा अंत होगा और अंत होगा तेरी भावों का, कोई स्थान नहीं होगा जब बात होगी तेरी भावों की। तो ये पहली प्रतिक्रिया इस वक्त में तेज प्रताप यादव की निकल करके आई है और तेज प्रताप यादव जो है वो नीतीश कुमार के अंत का, यहाँ पर नीतीश कुमार की राजनीति का, नीतीश कुमार के भावों का वो अंत करने का ऐलान एक तरह से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँगा और बार बार इस बात को कहूँगा कि बिहार की जनता को तय करना है कि नीतीश कुमार बार बार पलट करके कभी इस तरफ और कभी उस तरफ जाते हैं तो वो सही करते हैं, या नीतीश कुमार के पलटने से बिहार की जनता ऊब चुकी है और इस बार नीतीश कुमार को ही पलट देगी। सवाल ये है, क्योंकि बार बार, नौ बार, एक बार नहीं, नौ बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ आज जो नौवीं बार लेने जा रहे हैं, और नौवीं बार कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ले तो कम से कम उसके कोई तो प्रिंसिपल होने चाहिए, उसके कोई तो सिद्धांत होने चाहिए जिन सिद्धांतों के लिए वो किसी भी बड़े से बड़े पद को ठुकरा दे। लेकिन नीतीश कुमार पद पर बने रहते हैं और सिद्धांत बदल जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ में उनके सिद्धांत हो जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ में उनके सिद्धांत हो जाते हैं, कभी आरजेडी के अंदर उनको जो है सब कुछ ठीक लगता है और कभी बीजेपी के अंदर उनको सब कुछ ठीक लगता है। और अब नीतीश कुमार यहाँ से इस्तीफा देकर के बाहर निकले हैं और नीतीश कुमार का इस्तीफा देना बिहार की राजनीति में 2024 के चुनाव में क्या कुछ जो है वो उसका असर रहेगा, बड़ा सवाल ये है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है, ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि नीतीश कुमार बाहर निकल करके कोई बड़ी वजह नहीं बता पाए, कोई बड़ी वजह नहीं बता पाए जो सुर्खियां बन सके। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ने इतना कहा कि उनको इस्तीफा देना था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि पहले जिन गठबंधन के साथियों के साथ में मैं था उनके साथ मैं दोबारा जा रहा हूँ, मैंने एक साल से बोलना छोड़ दिया था। सिर्फ इतनी भर बात उन्होंने जरूर कही, लेकिन आप कैसे बोलना बंद कर सकते हैं या कैसे बोलना शुरू करते हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर थे और बिहार की जनता क्या आपसे अलटने पलटने का वो आश्वासन या अलटने पलटने की राजनीति आपके तौर पर देखना चाहती है, या बिहार की जनता एक स्थायी सरकार चाहती है? सरकार तो जरूर बरकरार है लेकिन सरकार का चेहरा बदल जाता है। और अब एक नया पोस्टर पटना के अंदर फिर से लगेगा, नीतीश कुमार सबके हैं। अब ये नीतीश कुमार सबके हैं अगर इसी तरह की राजनीति हो जाए तो बताइए उस जनादेश का क्या, जब नीतीश कुमार जनादेश किसी और के साथ लेकर के आते हैं लेकिन पलट करके किसी और के साथ चले जाते हैं। तो अब नीतीश कुमार का यहाँ से पलटना, नीतीश कुमार का यहाँ से जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीति, यहाँ पर उसकी एक नई शुरुआत बिहार के अंदर होगी और लोग इस बात को तय करेंगे कि 2024 के चुनाव से पहले नीतीश कुमार का पलट करके बीजेपी के साथ में जाना वो कितना सही है। और नीतीश कुमार, उनके ढेरों बयान हैं नीतीश कुमार के। मैं एक बयान आपका उनका बताता हूँ 2023 का, 2023 जनवरी में, यानी पिछले साल नीतीश कुमार ने कहा था कि मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी में जाना कबूल नहीं है। ये नीतीश कुमार ने जनवरी 2023 के अंदर कहा था कि मर जाना कबूल है लेकिन उनके साथ में बीजेपी के साथ में जाना कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, नए गठबंधन में जा रहा हूं। और 45 विधायक हैं नीतीश कुमार के, 45 विधायक हैं, 78 विधायक हैं
बीजेपी के विधायकों के तौर पर अगर हम देखें तो मुश्किल नहीं होगी, लेकिन सवाल नैतिकता का है। सवाल नैतिकता का है कि आखिरकार आपकी नैतिकता कितनी बची है और कहां तक बची है कि आप जब मर्जी पलट करके इस तरफ और जब मर्जी पलट करके उस तरफ, और आपके एक तरफ जो है वो नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री बनने का चेहरा वो तैयार हो जाते हैं कि आप इंडिया गठबंधन के तौर पर महा प्रधानमंत्री बनने के लिए भी तैयार हैं, ये भी जो है बीच में खबरें निकल करके सामने आई। लेकिन दूसरी तरफ आप उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी सरकार बनाने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाते हैं, तो ये भी सवाल बिहार की जनता जरूर पूछेगी और इसका भी जो है वो इंतज़ार रहेगा कि आखिरकार नीतीश कुमार को लेकर के बिहार की जनता इस बार क्या करेगी। और बीजेपी बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी वो विधानसभा के अंदर इस वक्त जो है वो बीजेपी की तरफ से विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री होंगे, ये खबर निकल करके आ रही है। और मुख्यमंत्री तो फिक्स है ही नीतीश कुमार, लेकिन दो डिप्टी सीएम होंगे सम्राट चौधरी, और सम्राट चौधरी के साथ में विजय सिन्हा, ये दो डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। और दो डिप्टी सीएम के साथ साथ नीतीश कुमार जो है वो फाइनल है कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो ये चीज़ें तकरीबन अब साफ हो चुकी हैं। और अब नीतीश कुमार जब शपथ लेने के लिए जाते हैं, क्या उसके बाद में कोई बयान उनका निकल करके सामने आता है, या अभी जो उन्होंने बयान दिया है वही आखिरी बयान जो है नीतीश कुमार का माना जाए। नीतीश कुमार राजभवन से बाहर निकल रहे थे, राजभवन से बाहर निकले तो गाड़ी रोक करके पैदल चले कुछ देर, और पैदल चल करके फिर पत्रकारों के पास में पहुंचे, और फिर उसके बाद में नीतीश कुमार ने वो सब कहा है जो अभी मैंने आपको बताया है। तो अब सवाल यही है कि इसको बिहार की जनता कैसे लेती है, 2024 के चुनाव में क्या नीतीश कुमार को, बीजेपी को इसका बम्पर फायदा होगा, या जनता इस बार अलटने पलटने वाले सरकार को या अलटने पलटने वाले नेताओं को इस बार सबक सिखाएगी। सवाल फिर ये है, शेयर कीजिए इस खबर को और बिहार की राजनीति, बिहार के बदलते हुए घटनाक्रम पर यहाँ पटना से लगातार मेरी नज़र बनी हुई है, लगातार मैं आपको खबरें पहुँचा रहा हूँ, और जैसे ही कोई बड़ी अपडेट निकल करके सामने आती है तुरंत आपके पास में उस अपडेट को भी पहुँचाऊँगा। शेयर कीजिए इस खबर को और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।